अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग पैशन। नाज़रीन, आज आपके लिए जो प्लांट लेके आया हूँ इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं और आगेव प्लांट भी कहते हैं। ये देखें, ये आगेव प्लांट है। ये एक सहराई पौधा है जिसे पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। डेज़र्ट में उगने की वजह से इसको किसी भी केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। केयरलेस प्लांट है, ये देखें, और सकुलेंट भी है क्योंकि इसके लीव, ये देखें, इसके लीव जो हैं ये बहुत मोटे मोटे हैं और इनमें पानी काफ़ी मिकदार में रुका रहता है, इसलिए इस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। डेजर्ट प्लांट होने की वजह से बारिश के पानी से भी सर्वाइव कर जाता है। देखें, ये वेरीगेटेड है। ये देखें, ये दो कलर हैं इसके, ये डार्क ग्रीन और ये थोड़ा लाइट ग्रीन है, वेरीगेटेड है। इसका एक बेबी मैंने अलग-अलग करके लगाया था, ये देखें, जो कि बिल्कुल ग्रीन है। ये भी अगेव है और ये देखें, इसके लीव्स बिल्कुल ग्रीन है। ये देखें, शक्ल इसकी वैसी ही है, थोड़ा छोटा है मगर ये बिल्कुल ग्रीन है। ये इसी मदर प्लांट का बेबी है जो मैंने तकरीबन 3 साल पहले निकाला था और उसको अलहदा पॉट में लगाया था। पहले छोटे पॉट में लगाया था, अब उसका पॉट मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इसको जितनी बड़ी खुली जगह पर लगाएंगे ये प्लांट उतना ही ज़्यादा फैलता है। अब मैं आपको इसके बेबी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला, ये तकरीबन 3 साल पहले मैंने वो ग्रीन वाला प्लांट बेबी, ये देखें ये वाला, और ये इसके साथ, ये भी इसी में से निकाला था, मदर प्लांट में से। ये बिल्कुल उस जैसा ही है, वेरीगेटेड है और इसकी तकरीबन उम्र जो है ये तकरीबन 3 साल की हो गई है। ये 6-7 प्लांट मैंने बेबी निकाले थे और अलहदा पहले छोटे पॉट में लगाए थे, अब इनको मैंने 1 फिट के पॉट में लगा दिया है क्योंकि इसको जितनी बड़ी जगह में लगाएंगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा, ये इसकी खासियत है। अब आपको इसके बेबीज़ दिखाता हूँ कि इनके बेबीज़ कैसे लगते हैं। ये देखें, ये है, ये देखें, ये एक पफ्स निकला है बेबी इसका। ये देखें, ये है, ये देखें, ये निकला हुआ है और ये इसका जो बेबी है जो बड़ा हो गया है उसमें से भी बेबी निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये निकला है, अभी ये एक ही है और इसके साथ एक और भी निकला है। ये देखें, ये एक है, तो इस तरह से ये साल में इसके 2 मरतबा बेबीज़ आते हैं, एक तो फरवरी मार्च में और दूसरे जो आते हैं वो अगस्त सितंबर में आते हैं। तो इसके बेबीज़ जो हैं ये आपने ऐसे उतारने हैं कि तकरीबन ये 5-6 इंच के हो जाएं। अभी ये 3 इंच का है तकरीबन, ये देखें, 5-6 इंच के हो जाएं तो इसको निकाल लेना चाहिए क्योंकि जब ये बड़े होते हैं, ये देखें, अभी ये छोटा है तकरीबन 3 इंच का है, बड़ा हो जाएगा तो फिर ये अपनी जगह बनाएगा और बड़ा होने की वजह से ये ज़्यादा जगह लेगा तो ये इसका जो मदर प्लांट है ये टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए ये मदर प्लांट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये बेबी प्लांट जो हैं ये तकरीबन 3-4 इंच के साइज़ के हो जाएं तो इनको मदर प्लांट से अलहदा करके दूसरे पॉट में लगा लेना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो ये एक जगह पर ही गुच्छा सा बन जाएगा और सब प्लांट जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे और ये देखें कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी खूबसूरती जो है ये ज़ाया हो जाएगी। ये देखें,
ये डेजर्ट प्लांट है, इसकी एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनी लुक है। ये देखें, ये भी इसका बेबी है, मगर ये बिल्कुल ग्रीन है। तो अब इसकी जो सॉयल इस्तेमाल होनी है वो आपको बता देता हूँ। ये सॉयल मैंने दो हिस्से सैंड, एक हिस्सा बालोमिटी और एक हिस्सा गार्डनिंग सॉयल मिक्स करके उसमें इसको इसको लगाया हुआ है। ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखें, इसकी नई रूट्स जो हैं, देखें इसकी नई रूट्स निकल रही हैं और नए बेबीज भी बन रहे हैं। तो सॉयल जो है दो हिस्से रिवर सैंड, एक हिस्सा बालूमिट्टी और एक हिस्सा गार्डनिंग सॉयल होनी चाहिए। और उसमें मैंने थोड़ी सी काउडंग मिक्स की हुई है ताकि इसको न्यूट्रंस जो है वो अच्छे मिलते रहें। और इसको किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं दूसरे पौधों को जब DAP देता हूँ तो इसमें भी थोड़ी DAP डाल देता हूँ। ये देखें, ये इसका एक और बेबी मैंने अलहदा करके लगाया हुआ है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। एक ये है लगाया हुआ और उसके बाद ये भी लगाया हुआ है। ये एक ही मदर प्लांट में से बेबीज निकले हुए हैं जो मैंने इधर लगाए हैं। तो इसके बाद इसको पानी की जो ज़रूरत है, इसको पानी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है और उधर ये बारिश के पानी से ही सर्वाइव करता है, या फिर जो ओस पड़ती है वो सक करके उसी से इसकी प्रोपोगेशन जो है ये चलती रहती है। इसलिए इसको पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये गल जाएगा। और इसको नाजरीन धूप जो है, डायरेक्ट सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको कहीं भी रख दें तो ये उधर सर्वाइव करेगा। हमने वैसे इसको शेडी एरिया में रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए धूप आती है, बाद में सारा दिन धूप नहीं आती। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर देखें बहुत ही अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये प्लास्टिक का बनाया हुआ है। तो नाजरीन, इसके लिए हमने जो पॉट इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखें ये 1 फीट का पॉट है, क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा बड़ी जगह मिलेगी ये प्लांट उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये देखें, 1 फीट का पॉट हमने इस्तेमाल किया हुआ है। बार बार पॉट को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बेबीज जो हैं ये पहले मैंने चेंज के पॉट में लगाए थे, फिर बड़े हो गए तो फिर इनका पॉट जो मैंने 1 फीट का कर दिया था। और ये वाला मदर प्लांट जो है ये पहले मैंने 1 फीट का लगाया था। ये देखें कितना ग्रो कर गया है। और ये देख लें, ये जो ग्रीन है इसको भी 1 फीट में लगा के पॉट में लगाया हुआ है। तो इसके लिए जो पॉट है इसके नीचे होल होना ज़रूरी है ताकि जब इसमें पानी डालें, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ी देर के साथ ही वो पानी जो है वो ड्रेन हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी खड़ा रहेगा तो ये पॉट, ये वाला प्लांट जो है ये गल जाएगा और ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। बाकी ये जो प्लांट मदर प्लांट है, एक खासियत इसकी आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी फ्लावरिंग जो होती है ये एक ख़ास, इसकी उम्र के एक ख़ास हिस्से में इसकी फ्लावरिंग होती है। ये देखें, ये जो मदर प्लांट है इसके नए लीव जो खुद बहुत ही निकल आते हैं। ये देखें, ये इसका नया लीव बन रहा है। ये देखें, ये पहला खुल रहा है और नया इसके अंदर बन रहा है। और जब ये खुल जाएगा तो ये खुलना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर से नया निकलेगा। और जो इसकी फ्लावरिंग है, इसके प्लांट के सेंटर में से एक स्टिक निकलेगी तकरीबन 3 से 4 फीट की, और उसके ऊपर जो है ये इसके अगेव के छोटे छोटे बेबीज ही लगेंगे और वो फ्लावर की शक्ल में होंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगेव की जो उम्र ख़त्म होनी है, समझ लीजिए कि जब वो स्टिक निकल आएगी उसके ऊपर वो छोटी बेबीज आ जाएंगे, तो अगेव जो प्लांट है इसकी उम्र जो है ख़त्म हो जाती है। ये वाला मदर प्लांट जो है ये तकरीबन 6 साल पहले मैं लेके आया था और इस वाले प्लांट से भी ये छोटा था। अभी 6 साल के बाद ये देखें कितना बड़ा हो गया है। तो इसकी जो कुल उम्र होती है तकरीबन 20 से 25 साल की होती है,
और ये जब 20 से 25 साल का होगा फिर उस वक़्त इसकी फ्लावरिंग होगी और इसमें जो स्टिक निकलेगी उसके ऊपर इसके छोटे छोटे बेबीज ही होंगे, मगर वो होंगे फ्लावर की शक्ल में। तो ऊपर ही वो बड़े होते जाएंगे आस्ता आस्ता, जब वो आस्ता आस्ता बड़े होंगे तो ये प्लांट जो है खुद ब खुद ही सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा और इसकी उम्र जो है ख़त्म हो जाएगी। ये उसकी इसकी खसूसियत है। तो नाज़रीन आप भी अपने घर में आगे प्लांट लगाएं, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और बिल्कुल जो है ये समझ लीजिए इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं, ना ही इसमें फर्टिलाइज़र चाहिए और ना ही इसको सनलाइट का कोई मसला है। इसको आप फुल सनलाइट में रख दें, ये उधर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इंडोर जो है ये अच्छे से ग्रो नहीं करता, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, बस इसकी जो ये लीव्स हैं ये नरम हो जाएंगे और आस्ता आस्ता नीचे बैठ जाएंगे। तो अगर आपने इसको इंडोर रखना हो तो एक दो दिन के बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, फिर बाद में इसको आप कमरे में या बालकनी में जिधर रखना हो आप रख सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ, अजीज़ अकरबा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुँच जाए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आगे प्लांट के बारे में सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। भाई बहनों नाज़रीन अगली वीडियो बनाने तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।